तो मैं बाहर आ चुका हूँ उस समय होटल के, और ये हमारा पहला दिन है घूमने का। और ये बर्फ़ बहुत पुरानी पड़ी हुई है इस समय, जनवरी फरवरी की पड़ी हुई है बर्फ़, बस इतनी ही बची है। लात मार के देखूँ, कच्ची बर्फ़ है। चलो अब चलते हैं कहीं मार्केट वार्केट में घूमने आते हैं, लेकिन मौसम जो हो रहा है बारिश का हो रहा है इस समय। ये हमारे गाय माता जी आ रही है काली काली, मारना था भी नहीं जरा। चलते हैं, अभी ठंड लग रही है। हाँ ठंड हो रही है, तो अभी देखते हैं सुभाष चौक जाएंगे या गांधी चौक जाएंगे, देखते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बारिश का माहौल हो गया कश्मीर में भी नहीं थी। इतनी ठंड तो कश्मीर में नहीं थी सच बताएं तो। और देखो वहां का माहौल कैसा हो रहा है यार, बारिश तेज तो नहीं आएगी मीनू? अभी छाते वाते हैं ना, छाते वाते तो हैं, फर्स्ट फर्स्ट जो है बेचारे। ये भेड़िया तो नहीं है कुत्ते जैसे शक्ल के? दो दो टोपे बनने पड़ रहे हैं, देखो इन्हें दो दो टोपे बनने पड़ रहे हैं। गाड़ी आ रही है, जो इधर से कहाँ पे गेट गेट है, थोड़ा उतार के कहाँ से गेट है। बारिश शुरू हो गई, किस साइड जाना दिखे जरा, नेट पे डाल लो। नेट पे तुम डाल सकती हो, जनवरी फरवरी के मंथ में यहाँ पे इतनी बर्फ होती थी जो कि अब खत्म हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी सी बची है, आपको दिख रही होगी वाइट वाइट। ये है हमारा सूर्य रिसोर्ट, जहाँ हमने रूम बुक किया था 359 में, जिसकी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप देख लेना। सूर्य रिसोर्ट अच्छा रिसोर्ट है, बढ़िया क्वालिटी के गद्दे लगे हुए हैं, ओए रूम के थ्रू भी बुक किया जा सकता है, मैंने गो आई वीवो से किया था। बर्फ थोड़ी बहुत पड़ी है, देखो आप बहुत तेज हवा है। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है, देखते कुछ मार्केट में देखने लायक होगा। और हाँ खजियार जाने का प्रोग्राम था, वो कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि वो बंद है इस समय। खजियार बंद है इस समय, और रास्ते सारे ब्लॉक हो चुके हैं बर्फ की वजह से। देखेंगे गाड़ी बुक करके जहाँ तक जाया जा सकता है। यही होगा, उन्होंने यही बोला था, बंदर भी हैं यहाँ पे, ठंडे हो रहे बेचारे, थकान हो जाती है चढ़ाई पे अक्सर लोगों को। मुझे पार्किंग है किसी की, आगे चलो ना, इनसे पूछो आगे मार्केट का छोड़ रहे हैं ना, तो मतलब 500 रुपये बुकिंग है, 500 रुपये में ले भी जाएंगे और घुमा के वापस। कुछ कम दो दिन क्या कम करना है, अब लेके भी जाना है 200 रुपये जाने का लगा लो, 200 आने का, तो भी तो 400 ले लो। चलो नहीं होता है ना, मैं 500 दे दिया आपको कि जितनी देर घूमना होगा घूम लेना, तो घूमने का शो होगा क्या, मतलब हम ही अकेले होंगे कोई और भी होगा, बर्फ देखनी और भी लोग जाते हैं ना, बर्फ अपने बर्फ देखना, और हमने किसी घर में मिलने थोड़ी जाना, टूरिस्ट स्पॉट पे तो वैसे होता है, और होना हो अभी आप घर से आए थे। हाँ जी 400 में नहीं होता, नहीं तो मैंने बताया 1000 रुपया लेते हैं वैसे तो। चलो मैंने रास्ते में ऊपर यूनियन है ना, अगर फिक्स प्राइस होते हैं वहाँ से, अच्छा तो इसलिए मैंने आपको पूछ लिया, अगर मैं चाय पी रहा था तो ये है।
दोस्तों अब आपको ले जा रहे हैं हैवी स्नो जहाँ पे पड़ी हुई है उस जगह। काफ़ी हैवी स्नो मिल सकती है, इसी के लिए 500 रुपये खर्च कर रहे हैं हम कर रहे हैं आपके लिए कि आप भी देख सकें कि कितनी स्नो पड़ी हुई है। हाँ अब गाड़ी से जाएंगे, गाड़ी से लौट के आएंगे 500 रुपये में। खजियार बंद है तो जहाँ भी पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा इसको देखने का वो देखेंगे। जैकेट जो गाड़ी में रहते हैं हमारी, कब बादल आ जाए और इनकी जोड़ पड़ जाती है। अच्छा यार हम नहीं जाते गाजियाबाद से। हिमाचल फर्स्ट टाइम है या और मनाली? नहीं मनाली घूम चुके हैं, मनाली घूमा हुआ है ना, मनाली शिमला। हाँ मनाली शिमला दोनों ही घूम लिए। धर्मशाला होगी अभी तक। चलो जी ये मार्केट है, ये ऊपर मार्केट आ गया अभी जो। गांधी चौक काफी बड़ी होगी यहाँ पर। घर चले गए। अच्छा ये सीएनजी पे थोड़ी होगी? नहीं नहीं सीएनजी पे कहाँ चले गए सर, पहाड़ पे गाड़ी। हाँ पेट्रोल पे, पेट्रोल पे। जो सीएनजी पे भी होती है ना। हाँ वो भी जब पहाड़ पे आप चलते हैं तो ऑटोमेटिक पेट्रोल पे हो जाती है ना, किलो लोड लेती होगी। हाँ तो चल नहीं पाती ना, इसलिए यहाँ सारी पेट्रोल ही गाड़ी है ना। ये पेट्रोल डीजल तो ही होगी, डीजल भी स्टार्टिंग दिक्कत आ जाती है ना। जैसे 3 महीने पीछे टोटली गाड़ियाँ बर्फ से, इतनी इतनी बर्फ से वीडियो दिखाई आपको। हाँ हाँ तो डीजल जम जाता है ना। अच्छा गाड़ी तो पेट्रोल गाड़ी है तो तुरंत स्टार्ट हो जाती है ये। हाँ पेट्रोल जमता नहीं है ना, इसलिए ज़्यादा पेट्रोल की गाड़ियाँ ज़्यादा हैं घरों में भी और टैक्सी में भी, कि किसी को तुरंत जाना है कुछ करना है, ट्रेन बस पकड़ना है तो स्टार्ट हो जाती है, तुरंत स्टार्ट हो जाती है। तो डीजल गाड़ियों में दिक्कत आ जाती है, तो घूमना लगे तब तक फिर वो यार चार जगह उसके लिए बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। इंजन के नीचे टंकी के नीचे तब जाके चलते हैं, तब जाके स्टार्ट होता चल रहा है यहां से। आज ही आया हूं पिछले कल से? नहीं आज ही सुबह। वैसे होटल का किराया कितना है यहाँ पे नॉर्मल, अगर कोई बिना ऑनलाइन बुक करे आएगा तो? होटलों के ये रेट होते हैं ना इसके, एक सीजनेबल होता है और एक ऐसे होता है। तो अभी आज के टाइम में जैसे हम बात किए, आज के टाइम में आपको यही है 700-800 में मिल जाता है रूम। 700-800 में? हाँ जी हाँ। लंगूटी अभी सीजन नहीं है हिसाब से है, सीजन अभी स्टार्ट होता है, पर अभी लोग न्यूज में ये वो सब देख के तो अभी थोड़ा लेट हो गया ना। पर फिर भी 15 मार्च के बाद जो लोग ये बर्फ देखने की भीड़ आ जाती है ना। अच्छा फिर जब मई जून में आएंगे तो बर्फ नहीं मिलती है, फिर ठंडक लेने आते हैं, फिर ठंडक मिलती है तो अभी बर्फ के लिए लोग आ जाते हैं। जैसे ही ये 15 मार्च के बाद जो लोगों को पता गया बर्फबारी नहीं होगी। हाँ हाँ तो हम जाएंगे तो फ्रेश फ्रेश बर्फ मिलेगी आ जाएगा ना, तो बर्फ के लिए लोग आ जाते हैं। कल कल चाहिए बस। बर्फ साइड में काफी है, साइड साइड में भी पड़ी हुई, रास्ते से हट गई, रास्ते से मशीन ने डाली है ना ये। मैं वही कह रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियो हमने देखी थी, बहुत बुरी तरह से बर्फ पड़ी हुई थी यहाँ पे, लाइट नहीं पानी नहीं कुछ नहीं, रास्ते सारे बंद। तो होटलों में पानी ये लाइट बंद होते हैं ना, होटल में इधर कौन आएगा? अच्छा जो नीचे बनी खेत है लोग वही रुक जाते हैं, बनी खेत में भी होटल है ना। अच्छा तो कौन आएगा होटल तक, गाड़ी नहीं आती है, पैदल नहीं आ पा सकते। अच्छा डलहौजी थोड़ी पहुंचा जाता फिर, फरवरी मंथ में डलहौजी पहुंचना मुश्किल है, मुश्किल है नहीं। तो फिर लोग कई बार पठानकोट से सेम डे में बर्फ देख कर पठानकोट वापस चले जाते हैं ये। अच्छा फिर अगर रुकने का हो गया तो ठीक है, नहीं तो पठानकोट से सेम डे में बर्फ देख के लोग वापस पठानकोट चले जाते हैं, क्योंकि लाइट नहीं, तो फिर रात को हीटर चाहिए आपको कुछ चाहिए, तो बिना लाइट से क्या करोगे? पानी नहीं, पानी ठंडा, पानी नहीं रहेगा। अरे भैया पानी बहुत ठंडा होता है यहाँ का भाई, बिना देने कैसे रहोगे? हालत बुरी हो गई बहुत, अगर गीजर ना चल रहा होता ना तो हम तो नहा भी नहीं पाते, इतना ठंडा पानी था।
कितना हुआ ऑनलाइन? ये ऑनलाइन 359 रुपए का, 359 जो क्या बोलते हैं धर्मशाला होती है उसमें भी नहीं मिलता है ना, बिल्कुल नहीं मिलता है। आप बेड लोगे तो भी, और उसमें फिर ग्लोब रोग करो, ये करो वो करो। अरे सच में बता रहा हूँ, इतना बढ़िया बेड वेड स्प्रिंग वाले गद्दे, कितने रुपए दिए आपने? मैं 360 रुपए दिए, और जबकि उसको कितने मिले? 760 रुपए मिले उसे। हाँ तो ये अब इनका है ना कि जब ये कंपनी तरफ से सीजन आएगा तो ये यही रूम जो है ये 2500 3000 में लगाएंगे तो एवरेज इनकी पूरी हो जाती है। हाँ वही है, अभी उसको 300 रुपए तो कोई मान ही नहीं सकता ना। हाँ किसी से कहोगे 300 रुपए तो माने नहीं, और वो भी सूर्य रिजोर्ट में तो कौन लेगा? तो वो पता नहीं अभी घाटा कर लेते हैं, बाद में वही चीज रिकवर भी कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी जो सर्विस दे रहे हैं ये देख लो वाइट, ये स्नो आ गई, हैवी स्नो जहाँ पे आपको घुमाने लाए हैं। मैदान वैदान सा है कैसे है वहाँ पे? जाम मैदान सा ही है। अच्छा हाँ वही रोहतांग वाला, जैसे सोलांग वैली है ना। हाँ वैसा है, परंतु सोलांग में अब पैराग्लाइडिंग वहाँ खजियार से ही होती है, यहाँ कहीं तो होती नहीं है ना। पैराग्लाइडिंग खजियार में होगी, बस इधर पंचकूला है जहाँ पर की आपका ये एडवेंचर एक्टिविटी होती है। अच्छा अच्छा, बर्मा ब्रिज या ये जिप लाइन वगैरह, अच्छा रॉक क्लाइंबिंग जितने भी ये एडवेंचर होते हैं ना वो सारे पंचकूला में होते हैं। एक ऊपर वाटरफॉल है। तो पैदल पैदल जा सकते हैं क्या हम? पैदल तो बोलने के तो लोग बोल देते हैं, पर फिर दूर हो जाता है ना, 2.5 किलोमीटर है। अब ये गाड़ी से भी टाइम लग जाता है क्योंकि हिल के और प्लेन के किलोमीटरों में फर्क आता है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ लोग घर से आइडिया लगा के आ जाते हैं कि 400 किलोमीटर है, हर घंटे में हो जाए नहीं पता, 15-15 घंटे लग जाते हैं। पठानकोट से लो जी 80 किलोमीटर है, 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे? हाँ तो ये फिर लोगों को पता नहीं होता है, अपना तो अनुमान लगा लेते हैं वो, तो फिर हिल पे जो है वो किलोमीटर जो है ना ये लंबे होते हैं, मिलों में चले जाते हैं ना ये। देखा नहीं 1 किलोमीटर कितना भारी पड़ गया। हाँ तो ये अपट लेना, ये 3 लिखा हुआ है ना, ये आगे एक और आते आते कितना टाइम लग जाएगा, 1 किलोमीटर में कितना टाइम लग जाता है, और शहरों में तो 10 किलोमीटर भी पता नहीं चलता है। तो अगर हर जगह एक ही जैसा मिलेगा तो फिर लोग यहाँ आएंगे भी क्यों? भाई पठानकोट में देख लो कितनी गर्मी है, यहाँ बर्फ है। हाँ तो कुछ ना कुछ फर्क होता तब घर से लोग निकल जाते हैं, और हर जगह आपको वैसा ही मिलेगा तो फिर क्यों साइड पे आएंगे आप? सही कह रहे भैया, मैं भी YouTube के चक्कर में आया हूँ मैं। हाँ जी YouTube पे वीडियो बनाता हूँ ना, मैं भी डालता हूँ बिना के। अच्छा YouTube पे वीडियो बनाता हूँ, घूमो दुनिया ब्लॉग के नाम से चैनल है। अच्छा जी, तो उसी आगे बैठ के बनाना था आपको वीडियो, आगे आ जाओ। तो हो गया शुरुआत, अभी आगे और अच्छी आई, अच्छा भी रहेगा, अभी तो ये बर्फ था। हाँ तो ये हमारे भैया जो ले जा रहे हैं, और ये देखो सीन मस्त लग रहा है ना, ये फोटो सेशन होता है, वापसी में निकालेंगे। मैंने वीडियो देखी, गाड़ी बर्फ में फिसल रही थी, स्किड कर रही थी। अभी तो ये मौसम नॉर्मल आ गया है ना, जो ये पानी है ये सारा जम होता है, आप खड़े नहीं हो सकते हो ना रोड के ऊपर, खड़े नहीं हो सकते, गाड़ी तो चल ही नहीं सकती होगी। आप खड़े होते हो तो आप पाँव नहीं पकड़ के पकड़ करते, तो ये तो मशीनरी है, फिर ये कहाँ से पकड़ कर इसी रोड पे। हाँ। गाड़ी आगे चली हुई और पीछे हो जाती है घूम कर, इतनी स्किड होती है गाड़ी, इतनी स्किड। हाँ लोग देखते हैं उसी टाइम का एक्सपीरियंस है ना। अभी नीचे देखो धूप है, यहाँ पे ऐसा मौसम हो रहा है, सब ये पेड़ों की वजह से है। और यहाँ पे कोई बोटिंग भी होती है ना? बोटिंग भी होती है, चमेरा लेक, तो कल चलना होगा तो वहाँ चल सकते हैं कल। वो कहाँ पे कितनी दूर है? वो 40 किलोमीटर है यहाँ से, पर 40 के अभी 60 ही किलोमीटर जाना पड़ता, तो रोड टूट गई हुई है ना। अच्छा, अब घूम के जाना पड़ता, पर व्यू बहुत जबरदस्त है। अगर जैसे आप ये वीडियो वगैरह बोल रहे हो बनाने के लिए,
वो वीडियोग्राफी के लिए सबसे बेस्ट जो है चमेरा लेक का रूट है। अच्छा, जब चमेरा लेक के रूट पे गाड़ी चलेगी तो आपको व्यू इतने जबरदस्त देखेंगे कि वहाँ के लिए तो फिर अच्छे कैमरे चाहिए, लोग गाड़ी नहीं चलाने देते। अच्छा, यहाँ रुको भैया, ये निकालना निकालना, तो व्यू बहुत अच्छा है उसका। हिली एरिया में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस भी वही है, बहुत अच्छा होता होगा एक्सपीरियंस। इधर गाड़ी सेफ्टी नहीं करती है लोगों की। अच्छा, गाड़ी आप जितनी भी हैवी ले लो, जो भी ले लो, गाड़ी नहीं, इधर ड्राइवर आपका जो अच्छा चाहिए। हाँ। जब तक रोड के ऊपर गाड़ी, तब तक क्या, गाड़ी रोड से नीचे चला गया फिर ना गाड़ी ना ऑक्सीजन निकालती भी नहीं है ना किसी को। नीचे देखो खाई तक आप देख नहीं सकते कितनी कितनी खाई है ना, तो यहाँ आपका ड्राइवर एक्सपर्ट चाहिए, बहुत अच्छा ड्राइवर हो तभी वो चला पाएगा। बाकी गाड़ी यहाँ बिल्कुल सेफ्टी नहीं करेगी आपकी, यहाँ ड्राइवर ही सेफ रखेगा आपको ना, क्योंकि जब आप 100, 150, 200 की स्पीड पे चलते हो तो वहाँ तो आपकी अच्छी गाड़ी चाहिए ना, क्योंकि उस स्पीड में वो रोड पे जम के चल सके, आगे भी एयर बैग पीछे भी कोई ठोक ठाक दे तो आपका बचाव हो जाता है बिल्कुल। अरे यहाँ एयर बैग नहीं करता ना सेफ्टी, एयर बैग यहाँ खुलते नहीं, क्योंकि उसके लिए आमने सामने टक्कर हो तब खुलता है वो, और वो भी उसकी जो फोर्स दी हुई है उसी फोर्स पे वो खुलेगा। पर यहाँ जो है ड्राइवर ही सेफ्टी रखता है कि ड्राइवर आपका कैसा, रोड बहुत छोटे हैं ना अभी तो कुछ नहीं, आगे जब सीजन आता जब जाम तो लोग बोलते हैं भैया हमें उतार दो पहले, तो फिर ही आप गाड़ी क्रॉस करो, फिर छोटी गाड़ियों की कीमत उनको बदल देगी, हम सेफ हैं जी। छोटी गाड़ी कहीं से भी टर्न, अभी मान लो यहाँ रास्ता बंद है तो हम यहीं से अपनी गाड़ी घुमा के वापस जा सकते हैं ना, घूम भी जाती छोटी थोड़ी सी तुरंत घूम जाएगी। यहाँ आपको लगेगा भैया बहुत अच्छा व्यू है, तो यहीं पार्क भी हो जाएगी थोड़ी जगह में, बाकी गाड़ियाँ निकलती रहेगी ना। तो हमने इन रूटों के हिसाब से गाड़ियाँ रखी हुई है ना, सही कर भैया, कि जो यहाँ के रूट हैं जिसकी हम जो टूरिस्ट को जो है सेफ्टी से क्योंकि हम तो कंटिन्यू चलेंगे ना इस रूट पे, तो हमें पता है कि कैसे सेफ्टी है, कैसे लोग सेफ है और कैसे उनको डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो इंजॉय करते रहेंगे ना, उनको डर का नहीं लगेगा कि अब क्या आएगा, अब क्या, वो उनको बिल्कुल गाड़ी पकड़ के नहीं चलना पड़ेगी, अब क्या होगा जी, तो सेफ चलते रहते हैं। ये तो है, तो इसलिए अब ये तो अपनी मर्जी थोड़ी हमने गाड़ी लगाई हुई है, ये जो यहाँ का क्लाइमेट देखते हैं वो भी है, और जो यहाँ का प्रशासन है, जो ऐसे ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं जिन्होंने टूरिस्ट के साथ टूरिस्ट व्हीकल में परमिट दिए हुए हैं। अच्छा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि कितनी इनोवा गाड़ी को परमिट मिले हुए हैं टूरिस्ट के साथ और कितनी अल्टो के मिले हुए हैं। अल्टो ज्यादा क्योंकि उन्होंने सेफ्टी के हिसाब से दिए हुए हैं ना कि सेफ है गाड़ियाँ, इनोवा भी उसी स्पीड में चलेगी सब कुछ, और दिक्कत आती है उन गाड़ियों को। अब यहाँ कोई मान लो पहाड़ गिर गया तो इनको हम जबरदस्ती क्रॉस करके भी ले जाते हैं ना लोगों को गाड़ी। अच्छा, क्योंकि सर्विस सेंटर जगह जगह पे इनके, इनोवा के लिए तो ये रूट ही नहीं है ना, अगर यहाँ थोड़ी सी टच हो गई तो कहाँ उसका तो काम करवाएंगे, उनको फिर चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, अमृतसर जाना पड़ेगा, उससे पहले सर्विस सेंटर भी नहीं है। अब ये गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं बेचारे इधर, उनको दिक्कत ही हो जाती है फिर बाहर से ना, बहुत दिक्कत होती है। टैंकर भर रहा पानी का, ये बर्फ पिघल पिघल के आ रही है, तो ये आ गया हमारा स्नो पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से आप चल के जा सकते हो, अगर जूता चाहिए आपको तो जूता वहाँ से मिलेगा आगे से, क्योंकि ये नरम होगी ना बर्फ, तो इसके अंदर अपने घुस जाएगा और भीग जाएंगे। उनका है वो पहले पूछ लेना कितने का देता है, ठीक है, जो भी उसका रेट उसके करके चले जाना। और स्नो पॉइंट ऊपर मतलब ऊपर मैदान सा है, बस आगे फिर मैदान जैसा है ना, जैसे सोलांग वैली में था, वहाँ जहाँ मर्जी भीग जाएगा, कीचड़ लग जाएगा, वहाँ खोल के अपने साफ जूते पहन के हम आ सकते हैं, ये तो अपने वाले तो सूखेंगे। आगे चले जाओ आगे ना, ये अभी जैसे बीच में ये ब्लैक ब्लैक आ रही है ना, आगे बिल्कुल चलो रोड पे खेलेंगे, आ रहे तो आगे हम आराम से चलो, आ जाओ मम्मी, ठीक है, ऊपर तक ना, यहाँ तक जितनी भी देर घूमना होगा आराम से घूम के आ जाना, ठीक है। ये गिरे इतना खैर नहीं गिरेगा, फोन फोन नहीं आप, ठीक है, मैं नहीं आ गई, आराम आराम से चलो, जहाँ पैर रखे ना वही वही, छोटे छोटे स्टेप लेके चले जाना।
ये देखो आपके लिए आए 500 रुपये खर्च करके वीडियो बनाने के लिए। ये भौंव कर रहे हैं। मीनू अंदर घुस रहा है पैर आराम से। ले तू भी बना ले अपनी वीडियो। मेरे पास है अपना, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं तो फोटो खींचूंगी। देखो दोस्तों मौसम सुहाना। लाइव स्ट्रीमिंग करूं मैं तो नेट भी खत्म हो जाएगा अभी इसमें मतलब। ठीक है तो फोटो खींचो थोड़ी सी। मैं ब्लैक ब्लैक हो जाता कैमरा। वेदर देखो वेदर। थोड़ी देर के लिए बैग को पकड़ लेगा फोटो जाते पकड़ोगे देखो कितना बढ़िया है। उम्मीद है अच्छा आएगा एक्सपोजर। कितनी बढ़िया सेल्फी स्टिक है, कैसा लग रहा है? इस नज़ारे को देखने के लिए ही तो हम आए हैं, गिम्बल इफेक्ट के लिए है ना दोस्तों। YouTube की फैमिली देख लो। चलो चलो तुम फोटो नहीं जाओगे मेरे साथ आज? यहाँ पे अंदर जा रही है पर मतलब हम तो बस स्टैंड भी स्टैंड लगा और खींच लेते फोटो।